हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स फॉर क्लास नाइन्थ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. तो आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि जो चैप्टर है वो जो है इलेक्शंस के बारे में है. इलेक्शंस क्यों ज़रूरी होते हैं एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, हमें मालूम है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, और किस तरह के इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. प्लस हम रीड करेंगे इस चैप्टर में कि भारत में किस तरह के इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं, किस तरह से चुनाव होता है नेताओं का या किसी भी पोस्ट के लिए, किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस है इंडिया में, वो हम रीड करेंगे इस चैप्टर में. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3.1, व्हाई इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. लेट्स रीड दिस टॉपिक. एक छोटी सी न्यूज़पेपर कटिंग है वो हम रीड करने वाले हैं. द टाइम इज़ आफ्टर मिड नाइट एंड एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास 5 hours इन अ चौक. ऑल द टाउन इज़ वेटिंग फॉर द लीडर टू कम. द ऑर्गेनाइजर्स अश्योर एंड री अश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हेयर इन एनी मोमेंट. तो एक चौक का सीन है कि आधी रात हो चुकी है, जो क्राउड है 5 घंटे का टाइम हो चुका है लगभग उन्हें बैठे हुए, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो एश्योर करवा रहे हैं भीड़ को कि अभी नेताजी पहुंचने वाले हैं, बट नेताजी अभी तक नहीं आए हैं. द ऑर्गेनाइजर्स अश्योर, ये हो चुका है, द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर अ पासिंग व्हीकल कम ऑन द वे. इट्स अराउज होप्स दैट ही हैज़ कम. तो जब भी कोई व्हीकल गुजरता है, कोई गाड़ी गुजरती है आसपास से, तो क्राउड को लगता है कि नेताजी अभी आ चुके हैं लेकिन वो नहीं आए हैं. द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल. हरियाणा की बात हो रही है और लीडर का नाम है देवीलाल जी. चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति हु वाज़ टू एड्रेस द मीटिंग इन करनाल. तो करनाल में ही ये मीटिंग है, और ये जो है चीफ हैं, किसके मुखिया हैं, ये हरियाणा संघर्ष समिति के मुखिया हैं, और ये थर्सडे नाइट को इन्होंने आना है. द 76 ईयर्स ओल्ड लीडर इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज. तो ये इनकी उम्र जो है वो 76 ईयर्स ओल्ड है और बहुत ही बिजी हैं ये, बिकॉज ही इज़ अ लीडर. हिज डेज स्टार्ट्स एट 8 AM एंड एंड्स आफ्टर 11. उनका जो दिन है वो 8 बजे शुरू होता है और वो ख़त्म कब होता है, रात के 11 बजे तक. यानी ये होल डे बिजी हैं बहुत ज़्यादा. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this election. यानी ये जो election होने वाला है वो एक meeting उसी के लिए address कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी meetings वो ले चुके हैं और past 23 months से वो तैयारी कर रहे हैं इस meeting की. This newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. तो 1987 की बात हो रही है और असेंबली इलेक्शन है हरियाणा में, और उसी मीटिंग की उसी इलेक्शन की बात इसमें की गई है इस न्यूज़पेपर कटिंग में. द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982. चौधरी देवीलाल देन द ऑपोजिशन लीडर लेड द मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध. तो चौधरी देवीलाल इस ये जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और उन्होंने रूल किया है 1982 तक. तो उसके बाद ऑपोजिशन जो लीडर थे उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, और मूवमेंट का नाम था न्याय युद्ध, और न्याय युद्ध का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस. तो एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोक दल. और जो ऑपोजिशन थी उन्होंने एक नई पार्टी बनाई लोक दल. हिज पार्टी ज्वाइंड द अदर ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन इलेक्शन. तो ये लोक दल जो था वो कांग्रेस की ऑपोजिशन में बनाया गया था, और एक नई पार्टी का उदय हुआ इससे. देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स फॉर फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन. तो देवीलाल ने काफ़ी सारे वायदे किए थे स्मॉल बिजनेसमैन से और फार्मर से. ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. तो उसने कहा कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो हमारा पहला एक्शन यही होगा कि हम जो है स्मॉल बिजनेसमैन को ज़रूर उनको उनके जो लोन्स हैं वो माफ़ कर देंगे. द पीपल वर अनहैप्पी विद द एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट
लेकिन जो लोग थे वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से काफ़ी अनहैप्पी थे, ना खुश थे, क्योंकि वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई थी। तो इसीलिए लोग जो है सरकार बदलना चाहते थे। जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमें कुछ बेहतर की उम्मीद होती है। हम चाहते हैं कि हमें आगे आने वाली सरकार में वो सारी चीज़ें मिल जाएं जो कि हमें पिछली सरकार से हमारी पूरी नहीं हुई। The people were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devi Lal's promise. तो देवी लाल का जो प्रोमिस किया था उन्होंने कि वो लोन माफ़ कर देंगे, तो वो पीपल बहुत अट्रैक्ट हुए उसे। दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन द फेवर ऑफ लोकदल एंड इट एलाइज। तो कांग्रेस को छोड़कर अब जो लोग हैं वो वोट कर रहे थे लोकदल को बहुत ही जोर शोर से। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स। तो लोकदल ने टोटल 70 सीटें जीत ली थी 90 सीटों में से इन द स्टेट असेंबली। लोकदल अलोन वॉन 60 सीट्स एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। तो इतनी सीट्स के बाद हम कह सकते हैं कि क्लियर मेजोरिटी में आ गया था लोकदल। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स। तो कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी? सिर्फ 5, जबकि वो पिछली बार गवर्नमेंट में थी। लेकिन अब जो है नई सरकार बन गई थी, नई सरकार की पार्टी कौन सी थी? लोकदल। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. तो जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट जो है अनाउंस हुए तो चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ लोकदल चोज देवीलाल एज देयर लीडर। तो नया जो चीफ मिनिस्टर बना यानी रूलिंग पार्टी के जो लीडर थे उनका जो नया चेहरा सामने आया उनका नाम था देवीलाल। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। और उन्हीं को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट फॉर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। जब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए उसके 3 दिन बाद चीफ मिनिस्टर बना दिया गया देवीलाल को। इस गवर्नमेंट इशूड द गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने जो सबसे पहला वायदा किया था वो उन्होंने निभाया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। तो जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो कहाँ कब होने थे? 1991 में। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट वन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनकी पार्टी उतने मतों से नहीं जीत पाई, उतने सीट से नहीं जीत पाई। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। दोबारा से कौन सी सरकार आ गई? कांग्रेस की सरकार आ गई। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट कीप चेंजिंग, यानी गवर्नमेंट जो है कभी भी चेंज हो सकती है। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर रीडिंग करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।